छतरपुर जिले के बक्सवाहा में धूमधाम से निकाली गई ईद मिलादुन्नबी का जुलूस इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के योम पैदाइश के अवसर पर यहां पे ढोल नगाड़ों के साथ डीजे की धुन पर जुलूस निकाला गया और झांकी सजाई गई। इसके अलावा नगर में झंडों से पूरे नगर को सजाया गया था, साथ ही जामा मस्जिद से यह जुलूस शुरू हुआ था और नगर के प्रमुख चौक चौराहों होते हुए वापस जामा मस्जिद पहुंचा, जहां पर जुलूस संपन्न हुआ। तो धूमधाम से यहां पे सभी मुस्लिम भाइयों ने एकजुट होकर यहां पे पैगंबर साहब का यहां संदेश दिया, साथ ही इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। इसके अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहां पे मुस्लिम समाज के लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वरदान एक्सप्रेस के लिए बक्सवाहा से राहुल जैन की रिपोर्ट। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के योम पैदाइश के अवसर पर ढोल नगारों डीजों के साथ यहां पे नगर भ्रमण करते हुए जुलूस निकाला गया, जिसमें यहां पे लाइटिंग और झंडों के माध्यम से पूरे नगर को सजाया गया था। इसलिए इसके अलावा मुस्लिम समाज के भाई एकजुट होकर पूरे नगर में निकले और यहां पे जुलूस निकाला गया। जुलूस में डीजे बैंड बाजों के अलावा आतिशबाजी भी थी, जिसको देखकर लोग आकर्षित हुए और यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों का अन्य समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही नगर को झंडों से सजाया गया था। खजुराहो नगर दुल्हन की तरह लग रहा था, जिसको देखकर लोग काफ़ी प्रसन्नचित हो रहे थे। वरदान एक्सप्रेस के लिए खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। समूचे भारतवर्ष में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जुलूस यहां पे निकाला गया। इसी क्रम में छतरपुर जिले के महाराजपुर में भी यह जलसा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। बस स्टैंड से शुरू हुए इस जुलूस में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए, जिन्होंने यहां पर हजरत मोहम्मद साहब का पैगाम दिया। साथ ही यहाँ पे बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समाज द्वारा यह जुलूस निकाला जाता है, जिसमें यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग उत्साहपूर्वक पूरे नगर में भ्रमण करते हुए यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाल रहे हैं और यहाँ पे खुशियाँ बाँट रहे हैं। वरदान एक्सप्रेस के लिए महाराजपुर से शिवम चौरसिया की रिपोर्ट। खजुराहो में वाल्मीकि समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि की जयंती और इस अवसर पर यहां पे जुलूस निकाला गया, साथ ही नगर के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष ने यहां पे घोषणा करते हुए कहा कि मंदिर बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी और यहां पे महर्षि वाल्मीकि का विशाल मंदिर बनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा तैयारियां जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। और इसके अलावा यहां पे वाल्मीकि समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वाल्मीकि जयंती मनाई गई, जिसमें नगर के प्रमुख लोग शामिल हुए। वरदान एक्सप्रेस के लिए खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके अलावा लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। यहां पे भक्तगण द्वारा एकजुट होकर भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए। इसके अलावा महिलाओं द्वारा व्रत रखा गया, साथ ही भोलेनाथ को मेवा से यहां पे प्रसाद लगाया गया। इसके अलावा खोवे के लड्डू चढ़ाए गए, साथ ही यहां पे भोलेनाथ के जयकारे मंदिर कैंपस में गूंज रहे थे। इसके अलावा यहां पे भोलेनाथ का किया गया श्रृंगार देखते ही बनता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ को किस तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर शरद पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खजुराहो के लोगों द्वारा मनाया गया। वरदान एक्सप्रेस के लिए खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट।